क्या करें, हमारी मजबूरी है तो करते ही हैं। और साफ सफाई कभी होती नहीं, हर साल सरकार कहे कि मैं पक्का घाट बनाऊंगा, और घाट कभी बनता नहीं है। सफाई तो होती नहीं, घाट कहाँ से बनेगा। यूपी बिहार वाले हैं तो सोचते यूपी बिहार वाले करेंगे क्या, पागल समझते हैं यहाँ के। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, आज नहाए खाए है और जो छठ व्रती है वो यमुना में डुबकी लगाने आए हैं, जिसके बाद से वो पूरी नहाए खाए की जो परंपरा है छठ के शुरुआत को लेकर के उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से यमुना के किनारे, जहाँ देख सकते हैं कि जो छठ व्रती हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इस प्रदूषित यमुना के पानी में वो इस वक्त जो है वो डुबकी लगा रही हैं। और पानी को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जितनी ये काले रंग का पानी दिख रहा है, जो यमुना इतनी प्रदूषित है और उस प्रदूषण में लोग यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। माता जी ये बताइए कि इतने प्रदूषित पानी में, गंदा पानी है इसमें आप लोग लगा रहे हैं, त्योहार का आस्था का पर्व है, लेकिन ये बताइए कि मन में कहीं ना कहीं बेचैनी होती कितने गंदे पानी में शुरुआत करनी पड़ रही है। हाँ बेचैनी तो आता है, लेकिन तभी भी हम लोग सोचते हैं कि चलो नहा लो, अपना घर जाकर फिर से अपना कपड़ा अपना कर लेगा, चेंज कर लेगा और क्या करेगा। लेकिन नहाना जरूरी होता है ना, एक साल का पर्व होता है, नहा करके पूजा पाठ किया जाता है। अच्छा ये बताइए कि छठ त्योहार जो है छठी मैया का, उसमें स्वच्छता का बहुत ख्याल रखा जाता है। हम लोग भी छठ त्योहार के दौरान गांव में पूरे जितने भी छठ घाट थे सबकी साफ सफाई हम लोग खुद करते थे, लेकिन इस तरीके से जो छठ के महापावन पर्व की शुरुआत हो रही है और गंदगी में जिस तरीके से पानी इतना गंदा, यमुना गंदा है, तो उसको लेकर के मन में लगता है कि हाँ सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हाँ सरकार को तो ध्यान देना चाहिए, कहें कि भाई गंगा जी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। और कहीं का भी देखो, हम लोग का यूपी, हम लोग यूपी से हैं, बलिया जिला से, हम लोग का वहाँ पर गंगा जी एकदम साफ सुथरा रहती है। यूपी का बहुत अच्छा है, यहाँ दिल्ली से बहुत अच्छा है। हम लोग का हर साल ये समस्या आप लोग को झेलनी पड़ती है, समस्या आता है, ऐसा ही आता है, हर साल समस्या ऐसा ही पानी रहता है। अपना आकर उसी में डुबकी लगाओ, नहाओ, जाओ घर, अपना क्या करेंगे। अब सरकार ध्यान नहीं देता है कि क्या पता नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यमुना घाट है, कालिंदी कुंज का है और यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो यहाँ डुबकी लगा रही हैं, क्योंकि नहाए खाए जो छठ की पहले दिन की जो परंपरा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। भाई साहब ये बताइए, इतना प्रदूषित यमुना है, डुबकी लगाते हैं, यमुना के हमारे धार्मिक और आस्था का प्रतीक है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए आस्था को लेकर के। ये सब में सरकार को ध्यान देना चाहिए, पर्यटनी का सुरक्षा करना चाहिए, गंदगी थोड़ा हटाना चाहिए। हम सब भी व्रत पे हैं, छठ व्रत करते हैं, दंड देते हैं, मगर सरकार को ये देखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, छठ पर्व में साफ सफाई का विशेष महत्व रखा जाता है, लेकिन छठ की शुरुआत जो है त्योहार की नहाए खाए से जो होती है, उसमें जो है गंदे पानी में डुबकी लगाना पड़ रहा है, तो मजबूरी में लगाना पड़ रहा है। छठ महारानी का कृपा है तो जहाँ जबना है वहाँ तो लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए ये जो छठ व्रती हैं, ये इनकी अपनी एक पीड़ा है, इनकी पीड़ा ये है कि त्योहार है, लोक आस्था का हम महापर्व है और ऐसे लोक आस्था के महापर्व में शुरुआत की जाती है, जहाँ यमुना की मौजूदगी होती है वहाँ लोग यमुना में डुबकी लगाते हैं, जहाँ गंगा की मौजूदगी होती है वहाँ गंगा में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि चाहे यमुना गंगा ये सारे वो नदियाँ हैं जिनमें जिनको लेकर के सनातनी परंपरा में उनका एक अलग महत्व बताया गया है। सनातनी जो साहित्यिक जो तमाम जो पुस्तकें हैं उनमें इनका जिक्र किया गया है और शायद इसीलिए हर बार कहा जाता है कि लोग जो है इस लोक आस्था के महापर्व में इस तरह के जो धार्मिक जो प्रतीक की जो नदियां हैं उनमें लोग डुबकी लगाते हैं, चाहे गंगे हो, यमुना हो, नर्मदे हो, सिंधु कावेरी जितने भी ऐसी नदियां हैं उनमें लगाते हैं। लेकिन ये हालात देखिए अभी किस तरीके से इस प्रदूषित पानी में लोग जो है यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि अन्य दिनों के मुकाबले आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो कालिंदी कुंज का जो ये जो पूरा हिस्सा है यमुना का, ये पूरे झाग नुमा ये हमेशा यहाँ पे स्थिति बनी रहती है। और झाग देखिए कि सामने जो आप देख रहे हैं बैराज सा जो बना हुआ है, वहां से पानी इस तरफ आता है और उसके बाद पूरी झाग की स्थिति बन जाती है। लेकिन झाग की समस्या से छठ व्रतियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, उन्हें किसी तरीके की तकलीफ का सामना न करना पड़े, इस लिहाज से देखिए कि जो बैराज, उस बैराज को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, फिर भी इस किनारे से पानी थोड़े बहुत जो है वो आ रहा है, इसकी वजह से थोड़े बहुत झाग आपको दिखाई पड़ रहे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे नाव से दो तीन अलग अलग टीम जो है वो यहाँ पर घूम रही है, जो यहाँ पर लगातार जो है वो केमिकल के जरिए उस झाग पे छिड़काव कर रही है कि जिससे झाग जो है वो बनना बंद हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि बैराज बंद कर देने से या फिर उस पर केमिकल के छिड़काव कर देने से झाग को बेशक बंद कर दिया जा सकता है, लेकिन जो
यमुना इतनी मैली है, जो यमुना इतनी गंदी हो गई है, इस यमुना की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हर साल छठ व्रतियों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है और इसमें तमाम जो सियासी दल हो, चाहे सत्ता से हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, सब एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसी सियासत के बीच में वो शायद ये भूल जाते हैं कि छठ व्रतियों को उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। छठ व्रतियों के हिस्से में यही मैली यमुना आती है, जिस प्रदूषित यमुना में उन्हें डुबकी लगानी पड़ती है और उन्हें इन तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शायद यही वजह थी कि जब एक छठ व्रती अपनी पीड़ा सुना रही थी, अपनी वेदना सुना रही थी, उनका कहना था कि हमारा धार्मिक महत्व है इसलिए हम यमुना में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें घर जाकर के भी जो है वो नहाना पड़ता है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाया कि कालिंदी कुंज में किस तरह की स्थिति और छठ व्रतियों के लिए कितनी ज्यादा मुश्किल का समय होता है, किस तरह से प्रदूषित पानी में डुबकी लगाना है, जिस प्रदूषित पानी में न जाने कई तरह की बीमारियों का घर हो सकता है या फिर कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है। अब क्या करें, हमारी मजबूरी है तो करते ही हैं। और साफ सफाई कभी होती नहीं, हर साल सरकार कहे कि मैं पक्का घाट बनाऊंगा, और घाट कभी बनता नहीं है, सफाई तो होती नहीं, घाट कहाँ से बनेगा। यूपी बिहार वाले हैं तो सोचते हैं यूपी बिहार वाले करेंगे क्या, पागल समझते हैं यहाँ के। अरे बहुत तेज बदबू आ रही है, इसमें बहुत परेशान है हम लोग। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको? अब परेशानी तो है ही है भैया, अब मजबूरी है कि हम लोग नहाते हैं। वो घाट जो अंदर बना है, मैं कहा कि उसमें नहा लूं तो कर, अभी अभी आज नहीं नहाना है, वो छठ के दिन नहाना है। बताओ कुछ एक बात जो आप उनको, सरकार को बोलना चाहिए। अब क्या सरकार को बोले, सरकार तो वही है कि वोट लेने के लिए तो घर पे आ जाएंगे, दे दो, जीत जाने के बाद पब्लिक को तरफ देखते ही नहीं है। भैया दिक्कत तो बहुत है, अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में पूजा पाठ करना है तो हमें नहाना ही पड़ेगा। अब क्या करें, हर साल की तो बात यही है, ये तो नहीं चलेगा, अब की साल की बात है, मैं मजबूरी में सब कुछ करना पड़ेगा। पानी में बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, क्या करें, पीने में भी 20 दिन हो गया वही पानी पी रहे हैं, क्या करें। अब खरीद का आम इंसान कितना पी सकता है। भैया बोल कर हम क्या करेंगे, इतने लोग बोल रहे हैं, किसी का सुन रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किस तरह की दिक्कत आ रही है, पानी में डुबकी ले रहे हैं, इतना बड़ा त्योहार है आपका, दिक्कत बहुत है, बीमार पड़ रहे हैं, खांसी जुखाम हो रहा है, दिक्कत बहुत है भैया, एक दिक्कत थोड़ी है, मजबूरी में ये है कि मजबूरी में सब कुछ करना है। सब त्योहार भी आपका, कई तरह की दिक्कतें आ रही है सर। एक तो जमीन में जो है पैर दबाने के बाद पैर नीचे धस जाता है, कीचड़ है पूरा नीचे जमीन में, ऊपर में पॉल्यूशन है, पूरा पानी काला है, नहाने के बाद पूरे शरीर से बदबू आ रही है सर, इस तरह का पॉल्यूशन। पिछले मैं 5 साल से देख रहा हूँ, सारी सरकारें, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों सिर्फ झुंझुना बजा के चली जाती है और सिर्फ छठ के टाइम में याद आता है ये सब सारी चीज़। दिल्ली के साथ वो सांसद जितने भी है वो भी इसे बोलते हैं, फिर उसके बाद MLA जितने भी हैं, फिर वही पूर्वांचल के इतने MLA 7 MLA के बावजूद भी इस तरह की हालत है। सर डुबकी लिया ही नहीं मैंने, मग्गा से नहाया क्योंकि डुबकी लेने वाली हालत थी नहीं, बहुत ज्यादा स्मेल है सर, बहुत ज्यादा सर, कीचड़ है, बहुत ज्यादा कीचड़ है, पैर नीचे जमीन पे धस जाता है, पता नहीं कल कैसे होगा यहाँ पे छठ, पता नहीं सर।